भाई साहब हमें नहीं पता था कि फूफा की इतनी बड़ी शिकायत सुनने को मिल जाएगी। जैसा आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जनपद के कोतवाली नगर क्षेत्र में ससुराल की संपत्ति पर फूफा की नियत इस तरह से खराब हो गई कि घर के इकलौते बेटे को जान से मार देने तक की धमकी दे दे डाली। फिलहाल युवक किस तरह से अपनी समस्या बता रहा है, किस तरह से अपनी पीड़ा बता रहा है और किस तरह से फरियाद लगा रहा है, आइए उसी से सुन लेते हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम फजलुर रहमान है। क्या नाम? फतेहपुर रहमान। क्या हुआ? हाँ, चौधरी इरफान साहब हमारे मोहल्ले में रहते हैं, हमारे दादा ने इनको रहने के लिए दिया था, तो अब ये जो है हमसे ये कह रहे हैं कि हम, क्योंकि मेरा मकान प्राइम लोकेशन पे है, तो ये इनकी अब ये नियत खराब है कि जो है ये कह रहे हैं कि उसका जबरन बैनामा करके दो हमको 10-15 दिन के अंदर, नहीं तो ये कर देंगे बत्ती बत्ती बातियाँ और इनके बेटे का फ़ोन आता है, ये सब चीज़ों की हरकत है। और मैं अकेला लड़का हूँ, मेरे फादर ज़ईफ़ हैं, 67-68 उम्र और शिक्षा से सेवानिवृत्त हुए हैं और मैं भी बीएड धारक हूँ। इस तरह की बेकार वाहियात बातें लगा रहे हैं और क्या मैं इससे अपनी लाइफ को आगे बढ़ा सकता हूँ? और मेरी ससुराल सिद्धौर की है और मैं जाता आता हूँ तो उल्टी सीधी बातें करते हैं, मैं इनको निकलना दूर कर दिया है। कहीं एप्लीकेशन वगैरह दी आपने? हमने बहुत सी 2.5 से 3 महीने तक की ये सब चीज़ें कर रहे थे तो, और इन्होंने बहुत सी बातें हमसे भद्दी भद्दी की, तो हमने एक छोटी सी एप्लीकेशन SI साहब को अपने बगल के आदर्श कोतवाली को दी सर, और जिला अधिकारी को भी हमने अवगत कराया। तो लीजिए भाई साहब, पीड़ित युवक की बातें तो आपने सुन ली, अब समस्या इस कदर है कि फूफा भाई साहब छोड़ने वाले नहीं, और मामले की थोड़ी बहुत जानकारी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, समय मिले तो जाकर देख लीजिएगा। पर फिलहाल बाराबंकी जनपद से उत्तर प्रदेश के लिए ABN News 24 की ब्यूरो रिपोर्ट, और साथ ही अब देखना यह है कि इस पर प्रशासन क्या कार्रवाई करती है। फिलहाल चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आई हो तो शेयर करना मत भूलिएगा।